नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के सुखापुरवा गांव का मामला है, जहां सोनू, उसकी पत्नी प्रीति तन्वी, गगन रामचंद्र को अचानक उल्टी, दस्त, पेट की दर्द शिकायत होने पर हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि बच्चों ने गांव में ही समोसा खाया था। इसके बाद दस्त व उल्टी की शिकायत होने पर उनकी हालत बिगड़ गई। गंभीर हालत में सभी को कन्नौज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद गगन को मृत घोषित कर दिया। तन्वी की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। तीन लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। CMS डॉक्टर शक्ति बसु ने बताया कि एक ही परिवार के पांच लोगों को डायरिया की शिकायत होने पर भर्ती कराया गया था। इनमें से गगन मृत ही पाया गया। परिजनों से हिस्ट्री पता करने पर बताया कि दो बच्चों ने समोसा खाया था। वहीं सोनू ने बताया कि समोसा खाने से एकदम पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हो गई थी। जिला ब्यूरो चीफ सीबू सैनी की रिपोर्ट। फूड पॉइजनिंग का मामला आया था, जिसमें बच्चे की डेथ हुई। क्या मामला हुआ? एक बच्चा ब्रॉड डेड आया था। अभी इसमें बहुत पुख्ता तौर से नहीं कहा जा सकता कि फूड पॉइजनिंग था, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं वो पहले दो दिन पहले से ही तिरवा में कहीं लूज मोशन के लिए भर्ती थे, और एक बच्चा जो लूज मोशन का था सीरियस, बिटिया, उनको जो है प्राइमरी मैनेजमेंट करके रेफर किया गया है, और बाकी उनके बच्चे के दादाजी और माँ और पिताजी वो सब अभी अंडर कंट्रोल हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात? सर, कहाँ का मामला था ये? सुखापुरवा ठठिया का। बाकी लोग ठीक है? बाकी सब लोग मैनेज हैं यहाँ पे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।